इस क्वेश्चन में कह रहा है द सोलेनोइड इज कंस्ट्रक्टेड बाय द वाइंडिंग अ वायर ऑफ डायमीटर डी अराउंड अ सिलेंडर. अ सोलेनोइड इज कंस्ट्रक्टेड बाय द वाइंडिंग अब वायर ऑफ डायमीटर डी, डायमीटर इसका डी है. अच्छा एक और बताता हूँ, जब भी किसी वायर का डायमीटर देना डी तो स्मॉल एन की वैल्यू हमेशा वन अपॉन डी होती है. एक वायर डी है, थिकनेस इसका डी है, अगर तुम ऐसे लपेटते हो ऐसे लपेटते हो तो फिर पूछे कि एक मीटर में कितने ऐसे वायर आएंगे, वन मीटर डिवाइड बाई वायर का थिकनेस आगे नंबर ऑफ वायर ऐसे अपॉन डी लिखे. हाँ तो क्या जी, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन डी. प्रोपोर्शनल क्या, एकदम इसके बराबर ही होता है. द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन डी, अभी इसके बाद में बात करेंगे. इतना आ गया. फिक्स हाइट एज, फिक्स्ड हाइट एज, हाइट एज विथ रेडियस आर, रेडियस शायद आर है, आर की वैल्यू बी से बहुत ज़्यादा है, एच की वैल्यू ठीक है. शायद मैग्नेटिक फील्ड एट द बी प्रोड्यूस अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ सिलेंडर व्हेन द अप्रोप्रिएट करंट इज पासिंग थ्रू वायर. द वाइंडिंग मस्ट बी द टाइट द नेग्लिजिबल स्पेस लेफ्ट बिटवीन द एडजेसेंट टर्न एंड देयर इज ओनली वन लेयर ऑफ वायर ऑन द सिलेंडर. Only one layer of air, ठीक है, okay, got it. The number of turn per minute is proportional. एकदम सही कह रहा है ये part, one upon d, ये proportional होगा. हाँ थोड़ा सा एंगल आ सकता है ऐसे, अगर ऐसे घुमाओगे ना इसे तो हल्का सा एंगल बन सकता है, एंगल बन सकता है, एंगल बन सकता है. एंगल की वजह से नंबर ऑफ टर्न में एक प्रोपोर्शनलिटी आएगी, cos थीटा वर्ग का टर्म आ सकता है. बट वन अपॉन डी अगर ये टर्न ऐसे ना हो, एकदम टर्न ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो वन अपॉन डी ही आएगी, लेकिन हल्का सा भी घूम गया ना, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी आएगी क्योंकि वो कांस्टेंट एंगल बनाएगा, कांस्टेंट एंगल बनाएगा, हर वायर कांस्टेंट एंगल में होगा, हर वायर कांस्टेंट एंगल पर, ठीक है. तो नंबर ऑफ टर्न में वो कंपोनेंट आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न. तो वायर अगर ऐसे लपेटी जा रही है, ऐसे लपेटी जा रही है, ऐसे अगर वायर की लपेट ऐसे है, इस तरीके से ऐसे है, तो नंबर ऑफ टर्न तो वन अपॉन डी ही बनेगा. लेकिन अगर वायर ऐसे लपेटी गई, ऐसे लपेटी गई, ऐसे ऐसे लपेटी जाएगी, इस एंगल का एक कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है. इस एंगल कंपोनेंट जितना ऐसे होगा उतना ही कम होगा, जितना ऐसे होगा उतना ही नंबर ऑफ टर्न कम होगा. इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ पता है क्या ना चाहिए, वन अपॉन डी. अब थीटा के साथ हमें हटाना है, ठीक है, तो ये कॉस थीटा का, अगर ऐसे नंबर ऑफ टर्न ही बताओ डी है ना, तो ये पूरा थिकनेस ले रहा है. तो ये तो तय है कि एन इस डी के प्रोपोर्शनल होगा, इसके प्रोपोर्शनल होगा, और थीटा प्रोपोर्शनलिटी में आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी में आ जाएगा. तो अगर मैं इसको साइन थीटा लिखते, एक बात करें, जनरल लिख रहा हूँ, साइन थीटा लिख रहा हूँ, तो ये थीटा जितना ज़्यादा रहेगा अब ठीक है, ये साइन थीटा के ही प्रोपोर्शनलिटी में चलना चाहिए. रीजन है देखो, थीटा अगर 90 हो गया तो टर्न ऐसे बन जाएगा, तो वन अपॉन डी, और थीटा अगर जीरो हो गया तो फिर ये एन जीरो अटेंड टर्न लगेगा, तो वही एन जो है वन अपॉन डी के प्रोपोर्शनल जाएगा. तो ये फर्स्ट पार्ट सही कह रहा है, अरे एक सोलेनोइड है इस तरीके से वायर लपेटा हुआ, अगर ये वायर एकदम क्लोजली पैक्ड है, एकदम क्लोजली पैक्ड है, हम ये लिखेंगे कि जो नंबर ऑफ टर्न आएगा पर यूनिट लेंथ वो वन अपॉन डी के प्रोपोर्शनल आएगा, तो सी इंटू डी कर दीजिए. तो नंबर ऑफ टर्न पर वन अपॉन डी एकदम सही कह रहा है. रेजिस्टेंस ऑफ वायर, तो रेजिस्टेंस इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन एरिया ही बनेगा, रो एल अपॉन एरिया. अब मैं लिखने जा रहा हूँ रो के जगह पे क्या लिखेंगे, रो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, एल के जगह पे एल पूरा लेंथ लिखेंगे, ये आएगा टू पाई आर, इसका टू पाई आर पेरीमीटर, टू पाई आर पेरीमीटर, टू पाई आर पेरीमीटर, टू पाई आर पेरीमीटर बन गया. टोटल कितने टर्न है, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ में एच मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला एच मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ में एच मल्टीप्लाई कर दो, आ गया इतना. अब देखो यहाँ से मैं रो को लिख सकता हूँ, आर को रो टू पाई आर, आर अच्छा रो एल अपान ई होता है ना फॉर्मूले में, रो एल अपान ई, ये होगा पाई डी स्क्वायर बाई फोर. अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ रो इंटू टू पाई आर, वन अपान डी के प्रोपोर्शनल है, एन आर तो आ रही है ना, ये जो n है ये वन अपॉन डी के प्रोपोर्शनल, h
कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, और ये डी स्क्वायर आ गया। आर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी क्यूब, क्योंकि रो कांस्टेंट है, आर का रेडियस कांस्टेंट है, सोलेनोइड का एच कांस्टेंट है, तो ये है, इसलिए ये गलत हो गया, ये सही चल रहा है। करेंट इन द सर्किट, क्योंकि लिखा हुआ है फिक्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट, बी कांस्टेंट है, तो मैंने कहा म्यू नॉट, और एन की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन डी, और ये कांस्टेंट हो गया बी, दैट मींस आई इज प्रोपोर्शनल टू डी, मींस आई इज प्रोपोर्शनल, इसका मतलब कि ये भी पार्ट गलत कह रहा है। अब बात करते हैं पावर की, पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है, आई प्रोपोर्शनल टू डी है, दैट मींस डी स्क्वायर, एंड आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी क्यूब है, डी क्यूब दैट मींस 1 अपॉन डी के प्रोपोर्शनल,